धन्यवाद तेलंगाना, नफरत को उसकी जगह दिखाने के लिए। धन्यवाद तेलंगाना, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस दिखाने के लिए। धन्यवाद तेलंगाना, झूठ के आगे सच को चुनने के लिए। कांग्रेस पर भरोसा जताने के लिए, कांग्रेस को वोट देने के लिए। धन्यवाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया। बेशक नतीजे हमारे फेवर में नहीं है, बेशक हम हारे जरूर हैं, मगर करोड़ों की संख्या ने कांग्रेस को वोट के रूप में जो प्यार दिया है, उसके लिए जनता का धन्यवाद। राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी ने सभी राज्यों में चुनाव में भाग लिया। भले ही बीजेपी ने तीनों राज्यों में सत्ता पाने में सफल हुई हो, मगर कांग्रेस मुक्त का सपना देखने वाली बीजेपी को जनता ने इस बार फिर ठेंगा दिखा दिया है। जनता ने बता दिया है कि वोट देने के लिए उनकी पहली पसंद कांग्रेस ही रही है। कम से कम वोट शेयर के आंकड़े तो चीख चीख कर यही बयां कर रहे हैं। चार राज्यों में कांग्रेस को भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट मिले हैं, और जिन राज्यों में भाजपा जीती है वहां भी कांग्रेस को औसतन 40% से ऊपर लोगों ने अपना वोट दिया है। आइए बताते हैं कि राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी को कितने कितने वोट मिले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी को करीब 2,11,00,000 वोट मिले, वहीं कांग्रेस को करीब 1,75,00,000 वोट मिले। वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस 40.40% और भाजपा 48.55% वोट मिले हैं। राजस्थान में कांग्रेस को करीब 1,56,00,000 वोट मिले हैं, बीजेपी को करीब 1,65,00,000 वोट मिले हैं। वोट प्रतिशत कांग्रेस 39.53%, भाजपा 41.69%। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करीब 66,00,000 वोट मिले हैं और बीजेपी को करीब 72,00,000 वोट मिले हैं। वोट प्रतिशत कांग्रेस 42.23% और बीजेपी 40.27%। तेलंगाना में कांग्रेस को करीब 92,00,000 वोट मिले हैं, बीजेपी को करीब 32,00,000 वोट मिले हैं। वोट प्रतिशत में कांग्रेस को 39.40% मिले हैं और बीजेपी को मात्र 13.90% ही वोट मिले हैं। इससे साबित होता है कि पूरे देश में कांग्रेस को जनता का भरपूर प्यार मिला है। कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस कैंडिडेट बेहद कम अंतर से हारे हैं। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाली बीजेपी को सावधान होने की जरूरत है। हम लड़े थे, लड़े हैं और लड़ेंगे अपनी विचारधारा के लिए, जातिगत जनगणना के लिए, जनता की भलाई के लिए और मोहब्बत के लिए।